यार अगर इसको इतनी ही सफाई करनी है तो खुद क्यों नहीं कर लेता, कांच हटवाई क्यों नहीं थे? मतलब इतना साफ करने को बोलते हैं कि कांच दिखने ही नहीं चाहिए, तो कांच हटा के क्यों ना फेंक दे भाई खुद का। मतलब इतना कौन सफाई रखता है यार, इतनी देर से उसको चमकाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक तो ये गुटका वुटका खा के इसी कांच के ऊपर थूक देता है, वो भी मुझे ही साफ करना पड़ता है। कितना काम करवाता है सेमी और मेरे को पगार देते हैं मात्र 15,000 रुपये। समझ रहे हो इतनी महंगाई के दौर में 15,000 रुपये, उसमें भी भाई साहब खर्चे मांग लेता है मुझसे खुद। कितना बेशरम आदमी यार ये सेमी। अरे चलो मैंने दुकान का सारा हिसाब निकाल लिया है, इस महीने मैंने कमाए पूरे के पूरे 4 करोड़ रुपए, मजा आ गया। और सफाई पे मैंने काफी पैसे बचाए। एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। हेलो। अरे मेरी गाड़ी लेके आओ ना, कहाँ रह गई, कब से मंगा रखी है, फरारी ऑर्डर की थी जो रेड कलर की। अरे हाँ मैडम, टेंशन ना लीजिए, मुझे याद है ढंग से आपकी गाड़ी। हाँ तो जल्दी भिजवा दीजिए गाड़ी मेरी, मेरा बेटा वेट कर रहा है काफी देर से। हाँ मैडम थोड़ी देर रुक जाए, बस आपके पास अभी पहुँच जाएगी आपकी गाड़ी। हाँ जल्दी पहुँचवाइए, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे आज किसी भी हालत में गाड़ी चाहिए। हाँ मैडम ठीक है। हाँ चलो काम करता हूँ जाके। अरे इसने काम करा नहीं करा। अरे ये क्या, ये कांच अभी दिखाई क्यों दे रहा है मुझे? कांच है तो कांच दिखाई तो देगा ही ना। अरे इतना चमका कि कांच दिखना ही नहीं चाहिए। अरे तो खुद कर लेना। क्या बोला? अरे कुछ नहीं सर, कर रहा हूँ ना। हाँ तो अब तू ये बता मेरे को, काम करेगा नहीं करेगा? कर ही रहा हूँ सर मैं। हाँ तो इसको ढंग से चमका। अरे सर आप थोड़ी मेरी तनख्वाह बढ़वा दीजिए। अरे काहे की बढ़वा, तो काम तो करता नहीं है, तो शीशा तो चमकाना नहीं आता, तेरे को बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। चल काम कर। क्या काम करना? अब एक डिलीवरी करके आनी है रेड फरारी की। कहाँ पर? एड्रेस मैं तेरे फोन पे भेज दूंगा, अच्छे से लेके जाइए, बहुत महंगी गाड़ी है। टेंशन ना लीजिए सर, अच्छे से ही लेके जाऊंगा। और हाँ पेमेंट उन्होंने कर दी है, थोड़ी बहुत पेमेंट बच रही हो, कैश देंगे, लेके आ जाइए, कहीं बीच में भग जाए। नहीं भगूंगा सर, ऐसा चोर नहीं हूं मैं। हाँ तो ठीक है, आराम से लेके जाइए। और इस शीशे अब भी साफ नहीं करे, और आके सफाई करने लग जाइए, आप स्टाइल भी चमका दिए, और जहाँ से गाड़ी हिली है ना वहाँ पर थोड़ी गंदगी हो रही है वो भी चमका दिए। हाँ ठीक है टकले, तेरी टाट फोड़ दूंगा मैं। क्या कह रहा है? कुछ नहीं। चलो गाइस यार इस गाड़ी को डिलीवर करके आता हूँ जाके। भाई साहब देख रहे हो क्या खतरनाक वाली फरारी है। एक चीज का तो काफी मजा आता है मेरे को शोरूम के अंदर। मैं शोरूम के अंदर काम भी इसलिए करता हूँ क्योंकि यार मेरे को चलाने के लिए महंगी महंगी गाड़ियां मिल जाती है। और भाई साहब मैं चलाता नहीं हूँ, गाड़ियों को दौड़ाता हूँ फुल स्पीड तक, उसको क्या पता टकले को मैं कैसे चला रहा हूँ गाड़ी। देख रहे हो भाई साहब 250 300, आए खतरनाक तरीके से चलाता है तुम्हारा भाई गाड़ी। बस मैं ठोकता नहीं हूँ बिल्कुल भी, अगर ठुक गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस यार ये वाली गाड़ी मेरे को डिलीवर करनी इन्हीं घरों के अंदर। कौन सा घर है यार, मेरे को मार्कर में से दिखाई दे रहा है, यही घर पर होना चाहिए। सोना गुप्ता का ये रहा, यही घर है जिसके अंदर मुझे इस गाड़ी को लेके जाना है। अंदर आ गए। ओके मैडम जी, आपने ही मंगाई थी फरारी? अरे वाह ये री, अरे मम्मी मेरी रेड फरारी, अरे ये क्या मम्मी मुझे नहीं चाहिए गाड़ी। अरे क्या हो गया भाई, मतलब छोटे लड़के क्या हो गया मैडम जी? अरे मम्मी मुझे नहीं चाहिए, क्या कचरा आदमी लेके। अरे तुम कौन हो? मैं डिलीवरी बॉय हूँ। अरे तुम पागल हो क्या, तुम क्यों आए? अरे डिलीवरी बॉय तो डिलीवरी काम करेगा ही ना। अरे मतलब मेरे बेटे को काले लोग पसंद नहीं है, तुम इस गाड़ी को क्यों लेके आए? ये क्या बकवास है? अरे अंकल मुझे नहीं चाहिए आपकी गंदी सी गाड़ी, आप इसके अंदर बैठ के क्यों आए? मुझे काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा गाड़ी की डिलीवरी। अरे बच्चे ये क्या बकवास बात कर रहा है तू, ऐसा थोड़ी होता है। अंकल मुझे नहीं पसंद काले लोग, और मैं अब ये गाड़ी नहीं लेने वाला, अपनी गाड़ी वापस ले जाओ, मेरे को नई गाड़ी चाहिए। अरे 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 ऐसे मत कर यार बच्चे, मेरी पेमेंट कट जाएगी। अरे नहीं चाहिए मेरे को खटारा गाड़ी, मेरे को अब दूसरी गाड़ी चाहिए। काले लोग गाड़ी लेके आएंगे तो मैं बिल्कुल गाड़ी नहीं लूंगा। जाओ जाओ, तुम्हारे मालिक को बोल देना मेरे बेटे को पसंद नहीं आई गाड़ी। हाँ मम्मी इनको बोलो जाए यहाँ से। अरे यार तुम माँ बेटे कैसे पागल आदमी हो सेमी। कैसे क्या पागल बोला मैं? अरे मम्मी ये तुम्हारी बेइज्जती भी कर रहा है। अरे जाओ निकलो यहाँ से, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी शोरूम के अंदर कि तुमने हमें पागल बोला है। मेरे प्यारे से बच्चे और मेरे को पागल बोलते, शर्म नहीं आई तुझे? टकले टकला तो कहीं से भी नहीं हूँ मैं। हाँ कलवे वही तो। चल जा यहाँ से अपनी बेकार से गाड़ी लेके, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी शोरूम की गंदी गाड़ी। दूसरी गाड़ी लेके आना, और तुम्हारे मालिक से शिकायत जरूर करूंगी मैं तुम्हारी। तुम जाओ, और आज तुम्हें नौकरी से भगा देगा वो। मैडम जी अभी आपका ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? आप लोगों को गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी आपकी आ गई है, मैं चला यहाँ से। भाई कैसे पागल लोग हो गए, बीच में आ गए, मूर्ख लोग है यार बिल्कुल। मतलब यार मैं काला आदमी हूँ, गाड़ी लेके आ गया हूँ तो मतलब गाड़ी नहीं लेनी यार, हट तेरी ऐसी तैसी। मेरे को ऐसे लोगों को गाड़ी भी नहीं देनी है, पर क्या करूँ मेरी गाड़ी थोड़ी है कोई, अपनी ऐसी तैसी कराओ, मैं नहीं कर रहा ये वाला काम। अम्बे यार ऐसे ऐसे गंदे लोग रहते हैं बताओ लॉस सैंटोस के अंदर। मतलब मैं गाड़ी लेके आ गया तो ये बोल रहे कि गाड़ी नहीं चाहिए, काला आदमी गाड़ी लेके आया। तो कोई बात नहीं, साइमन को पकड़ा दूंगा, खुद दिया जाके गाड़ी, मेरे को क्या लेना देना। अब यार उस पागल लड़की ने बस कहीं पर फोन ना कर दिया साइमन के पास, जैसा वो बोल रही थी, उन्हें टकला जाती सुनाएगा मेरे को। चलो गाड़ी अंदर लेके चलता हूँ। आराम आराम से, ठोकनी नहीं है, इसके आगे ठोक दियो तो दिक्कत हो जाएगी। ये लो भाई सब लिया है गाड़ी, साइमन ये रही गाड़ी। अरे यार तू भिखारी। अरे क्या हो गया साइमन? अरे तू क्या बोला उसको? अरे वो बकवास बात खुद कर रही।
तूने उनको पागल बोला, कितना करोड़ों का नुकसान करा, पता है कितने की गाड़ी है वो। अरे तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है, तूने बोला था गाड़ी डिलीवर करके, मैं गाड़ी डिलीवर करने गया था। अब मुझे थोड़ी पता तूने काले लोगों से ऐसी बुरी वाली बीमारी, जो काले लोग देखते उनका दिमाग खराब हो जाता, पागल मूर्ख आदमी कही के। अरे तेरी वजह से कितना दिमाग खराब हो रहा है मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नौकरी से मत निकालो प्लीज 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 प्लीज। हाँ चल ठीक है, नहीं निकालता मैं, इसमें तेरी गलती भी है नहीं वैसे। हाँ गलती तो है तेरी, तूने उनको मूर्ख क्यों बोला, पागल बोला। अरे पागल वाली बात खुद कर रही थी, एक काम करो ना, तुम ही दिया, तुम तो गोरे हो, जाके तुम दिया खुद जाके गाड़ी। हाँ तो खुद ही दे के आनी पड़ेगी मेरे को, और माफी भी मांगनी पड़ेगी, चॉकलेट का डब्बा भी लेके जाना पड़ेगा माफी मांगने के लिए। हाँ चॉकलेट का डब्बा तो जरूर दे के आ, तेरा बेटा ला गया वो। अरे क्या बोला? कुछ ना बोला मैं तो भाई चला जा। अरे क्या शीट गाड़ी ठुक गई, हल्की सी स्क्रैच नहीं आई ना? हाँ नहीं आई, चेप दो जल्दी जाके गाड़ी, उनको मनाना पड़ेगा इस पागल ने, उनको पागल पागल क्या क्या बोल दिया पता नहीं, चॉकलेट का डब्बा और लेना पड़ेगा वो। अरे मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, मेरे को जल्दी जाके ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी। अरे यही अरे लगता है गाड़ी बेचने वाला शोरूम, अरे कौन है यहाँ पर, मेरे को ये वाली गाड़ी बेचनी है, मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है। हेलो अंकल कोई है क्या यहाँ पर, मेरे को ये वाली गाड़ी सेल करनी है। अंदर आजा, कोई है भाई तू जो भी। अरे आया आया, मेरे को गाड़ी सेल करनी है, जल्दी से इसको सेल करके पैसे लेके चलता हूँ वरना पापा मर जाएंगे। हेलो अंकल मेरे को मेरी गाड़ी सेल करनी है, अंकल बात तो सुनिए, मेरे को जल्दी से जल्दी मेरी गाड़ी सेल करनी है। अबे यार ये बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ बच्चे। अंकल मेरे को मेरी गाड़ी सेल करनी है। तेरी गाड़ी? अरे अंकल मतलब मेरे पापा की गाड़ी है, क्यों सेल करने आया बेटे इसको तू? अरे अंकल क्या है बताओ, मेरे पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मेरे को ये गाड़ी बेचनी पड़ेगी, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये गाड़ी बेचने आया हूँ आपके पास। अच्छा अच्छा अंकल प्लीज जल्दी से इस गाड़ी को खरीद लीजिए ना। कहाँ पर है गाड़ी? अंकल बाहर खड़ी है। ओके चलो सबसे पहले हम लोग गाड़ी देखेंगे तुम्हारी कौन सी है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितने में बिकेगी। यार ये तो काफी ज्यादा विंटेज मॉडल लग रहा है मेरे को, जाके देखने दो। ओहो भाई ये तो असल में वो है क्वीन वाली गाड़ी, जैसे मैं महारानी राजा नहीं जाते थे बैठ के, वो वाली विंटेज कार है। अरे अंकल ये हमारी पुश्तैनी गाड़ी है, पहले मेरे परदादा ने दादा को दी, फिर मेरे पापा को दी, अब मेरे को मिलने वाली थी, पर अब हमें इसे बेचना पड़ेगा क्योंकि पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अंकल वैसे ये पूरी ढकी हुई रखी थी, नई की नई है, ब्रांड न्यू, कोई इसको चलाता भी नहीं है। वो तो मेरे को दिख ही रहा है गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में, यार ऐसा लगता है कल ही शोरूम में से निकली है। अंकल क्या कर रहे हो आप? अरे इस गाड़ी को चला के तो देखो लड़के कहीं पर खराब वराब तो नहीं है। ओके तो गाइस यार एक सलप में गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और हाँ यार काफी अच्छी हैंडलिंग, गाड़ी की पुरानी होते हुए भी काफी मस्त चल रही है, मक्खन भाई बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली। 500 रुपए का चॉकलेट का डब्बा देना पड़ा, 500 रुपए और खर्च नहीं कर सकता था इसलिए मैं पैदल आया हूँ। अरे सुमित तेरी पगार में से काटूंगा 500 रुपए चॉकलेट के। अरे ये सुमित का बच्चा कांच में ला गया, और ये लड़का कौन है? अरे लड़के कौन है तू, शोरूम के अंदर क्या कर रहे हैं? अरे अंकल वो असल में मेरे पापा की गाड़ी बेचने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तेरे पापा की गाड़ी बेचने आया, तो तेरी गाड़ी कहाँ पर है? अरे वो असल में वो दूसरे अंकल लेके गए हुए चलाने के लिए, वो पक्का सुमित ही होगा भूतनी का। चलो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके हैं, गाड़ी तो काफी ज्यादा बढ़िया है, अंदर लेके चलता हूँ शोरूम के अंदर, क्योंकि यार गाड़ी मस्त है, हम लोग इसे खरीद लेंगे। ओके तो बस अब ये क्या टकला यहाँ पर आ चुका है। हाँ हेलो सर, ये देखिए कितनी मस्त गाड़ी है, ये गाड़ी लेके आया लड़का। अरे तेरे को मना किया ना कि शोरूम को खुला छोड़ के मत जाया कर, चोरी हो जाती तो। अरे नहीं ये बच्चा खड़ा तो है। अच्छा इस बच्चे के ऊपर तूने पूरा शोरूम खाली छोड़ दिया? अरे ऐसे नहीं है कि मतलब क्या घटिया गाड़ी है, ऐसी गाड़ी कौन लेता है आजकल? अरे सर ये मूवीज में यूज होती है, बड़ी महंगी गाड़ी है। अरे आजकल लोग लग्जरी गाड़ी मांगते हैं, सुपर कार स्पोर्ट्स कार, आजकल ऐसी गाड़ी कौन चलाता है? और तू मेरे शोरूम को इस घटिया सी गाड़ी के लिए खोल के चला गया था, पागल कहीं के? अरे अंकल मेरे को आप ये बताइए, आप इस गाड़ी को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? भाई मैं थोड़ी शोरूम का मालिक हूँ, शोरूम का मालिक वो है, गाड़ी वो ही खरीदेगा। अंकल एक काम कीजिए, ये टकला आदमी तो इस गाड़ी को नहीं खरीदेगा, आप खरीद लीजिए इस गाड़ी को। बेटे मेरे पास तो सिर्फ 10,000 रुपए ही है। हाँ तो मेरे को अभी आप 10,000 रुपए ही दे दीजिए, बाकी पेमेंट आप चाहे मेरे को बाद में दे देना, मेरे को अभी 10,000 रुपए की जरूरत है, मेरे को मेरे पापा के इलाज जो करवाना, और इस टकले की टाट फोड़ दूंगा आगे दिख गया तो, वापस मत मिल जाए टकले, बहुत मारूंगा तुझे। क्या इतनी ज्यादा बेइज्जती की उसने मेरी, और वो भी तेरी वजह से, पहले मेरे 500 रुपए खर्च हो गए, 500 रुपए मैं तेरी पगार में से काटूंगा सुमित के बच्चे, वो चॉकलेट का डब्बा तेरी, ऐसी तैसी ज्यादा ना बोल रहा है तू? क्या कैसे बोला तू, अकड़ में कैसे बोल रहा है मुझसे तू? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे को नहीं करनी तेरी टकले ऐसी।
ऐसी बकवास कर रहा है, छोटा सा बच्चा है तो उसका इतना रूडली बिहेव कर रहा है। मैं तो चला, वापस मत आ जाइए शोरूम के अंदर काम करने के लिए। अबे मेरे को करना भी नहीं है तेरा शोरूम के अंदर काम। बताओ यार, 500 रुपए चॉकलेट का डब्बा मेरी पगार में से कटेगा, 15,000 रुपए पूरे देता उसमें से 500 रुपए काट रहा है, इसकी ऐसी तैसी। और भाई बोलने की तो बिल्कुल ही तमीज नहीं इस आदमी, बिल्कुल बदतमीज आदमी से। मेरे को ऐसे आदमी के साथ काम ही नहीं करना। पर यार मैंने नौकरी तो ही छोड़ दी जज्बाती होके, और यार मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मेरे पास फिलहाल एक गाड़ी आ चुकी मस्त वाली, भूख लग रही है, लंच टाइम हो रहा है, घर चलता हूँ जाके कुछ खाता हूँ बढ़िया सा। ओ भाई सिंचैन देख लेगा आज इस गाड़ी को तो मजा आ जाएगा यार, वो भी बोलेगा क्या मस्त गाड़ी ले गया सुमित भैया, कहाँ पर है सिंचैन, लेट्स गो। ओ भाई चलो रिवर्स में लगाऊं गाड़ी। अबे सिंचैन बाहर क्यों खड़ा है तू? अरे सुमित भैया बाहर निकाल दिया घर से। क्या कैसे? अरे सुमित किसकी गाड़ी है? अपनी गाड़ी है। कैसे सुमित भैया? अरे सुमित भैया वो छोड़ो, उस मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। ओए तेरे को बोला था ना अगले महीने दे दूंगा। अरे तुम लोगों का वो कैसे भरोसा करूं मैं, तुम लोगों ने 4 महीने से किराया नहीं दिया, 40,000 रुपए हो रखे किराया, समझ रहे हो? तुम्हारे लोगों के ऊपर 40,000 रुपए छोड़ रखे मैंने, मेरे को नहीं रखने ऐसे किरायेदार, मैं और लोग ढूंढ लूंगा, कहीं और जाके रहो, भिखारी कहीं के किराया दे नहीं सकते टाइम पे, किराए के लिए मकान चाहिए इनको, मेरे पास मत आ जाना वापिस। अरे समित भैया अब क्या करे, उसने तो पैको निकाल दिया। अबे सिंचन मैं भी क्या कर सकता हूँ, मेरे को भी निकाल दिया। कहाँ से समित भैया? अबे शोरूम के अंदर काम करता था वहाँ से। समित भैया क्यों निकाल दिया तुम्हें? अबे भाई सब बदतमीजी कर रहा बहुत ज्यादा, आज 500 रुपए और काट रहा था। क्या समित भैया वो कितना काटता है सही में? वही तो यार। अरे समित भैया गाड़ी किसकी है? गाड़ी अपनी है। समित भैया कहाँ से ली? अबे 10,000 रुपए में खरीदी। अरे समित भैया यार तुम्हें भी गाड़ियों का शौक पालना जरूरी है, 10,000 रुपए में खरीद के लाए जो इसे। अबे यार सिंचन तेरे को 10,000 की लगती है गाड़ी? महंगी है बहुत ज्यादा। फिर समित भैया कौन पागल दे गया तुम्हें 10,000 में? अबे बहुत लॉन्ग स्टोरी, क्या ही बताऊं तेरे को मैं। अच्छा समित भैया कम से कम चलो गाड़ी तो रहने के लिए अब हमारे पास। हाँ गाड़ी के अंदर ही रहेंगे फिलहाल तो अपा लोग। अरे सुमित भाई जल्दी चलो। कहाँ पर? अरे सुमित भाई नया प्रेसिडेंट बनाया अपना लॉस सैंटोस का, फिर वहाँ पर अपा क्या करेंगे? अरे सुमित भाई खाने के लिए फ्री में खाना मिलेगा, चलो वहाँ पर मजा आएगा। ठीक है तो चलो गाइस, यार लंच टाइम हो रखा है, भूख मुझे बहुत तेज लग रही है, सिंचैन को भी लग रही है। तो आज हमारे लॉस सैंटोस का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, तो भाई यहाँ पर फ्री में खाने के लिए सामान मिल रहा होगा, लपेट लेंगे अपनी गाड़ी, कहाँ पर लगाऊं मैं? अरे सुमित भाई आराम से फौजी खड़े गोली मार देंगे। अब फालतू में क्यों गोली मारेंगे? चल सिंचैन। सुमित भाई ऐसे ग्रैंड एंट्री मारी तुमने तो गाड़ी पार्क ऐसे किया जैसे तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो। अबे सिंचैन आपा कोई प्रेसिडेंट से कम थोड़ी है भाई, सब देख रहे हो काफी भीड़ लग रही है यहाँ पर, वो देख वो रही दुकान। अरे सुन भैया क्या लोगे बताओ तो? अबे चल जल्दी से यहाँ से प्लेट उठा और लपेटते खाना। अबे सूखले क्या कर रहा है तू? अरे मेरे को नाक में बहुत तेज खुजली हो रही है। पता तो नाक मुंगली देखे क्यों खड़ा है? चला था सिंचन देख, वहाँ पर पेप्सी पियेंगे फ्री की, हॉट डॉग भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे। भाई साहब आज तो पेट भर के खाने खाने वाला हूँ, क्योंकि यार फ्री है यहाँ पर आज सब कुछ, क्योंकि हमारे नया प्रेसिडेंट बना है उसने सब कुछ आज के लिए फ्री कर रखा है, जो भी यहाँ पर हमें मिलेगा। और देख रहे हो कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अरे सुमित भैया काश हम लोग भी प्रेसिडेंट बन जाते, हम हलवा है जो और कोई प्रेसिडेंट बन जाए। अरे सुमित भैया हलवाई तो है, चलो देखते कौन अपना नया प्रेसिडेंट। मैं कैसे बताऊँ आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना प्रेसिडेंट चुना है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं लॉस सैंटोस को एक नए मुकाम पर लेकर जाऊँगा, बहुत ज़्यादा प्रगति करेंगे लॉस सैंटोस के अंदर, क्रिमिनल रेट हम लोग जीरो कर देंगे। हाँ चलो मैंने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, अब जाके लोगों से उनकी समस्या पूछता हूँ। अगर मेरे को पब्लिक में घुल मिलना है तो मेरे को पब्लिक से बातें करनी पड़ेगी, चलो पब्लिक से जाके बात करते हैं। अरे सर कहाँ जा रहे हो? मुझे पब्लिक से बातें करनी है, देखते कि पब्लिक की क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? अरे सर मेरा मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो टेंशन मत लो, हम फ्री में जिम खुलवा देंगे लॉस सैंटोस के अंदर। शुक्रिया सर, आप फ्री में जिम खुलवाओगे तो हमारे जैसे मोटू आदमी का काम मोटापा कम होगा। हाँ तो फ्री में जिम खुलेगी, सुबह शाम आया करो। चलो और लोगों से पूछता हूँ किन किन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये कैमरामैन, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे सर काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। अरे मिल तो रहा है भी काम, चलो और भी काम मिलेगा, तुम मेरे पीछे पीछे घूमने ठीक है, तुम्हें और काम मिलेगा फोटो खींचने का। ठीक है शुक्रिया सर। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे सर मैं बेरोजगार हूँ। अरे अच्छा तुम बेरोजगार हो, क्या डिग्री है तुम्हारे पास? मेरे पास बीए की डिग्री है। अरे रे तुम्हारे पास बीए की डिग्री, आजकल बीए की डिग्री से कुछ भी नहीं होता, कोई दूसरी डिग्री लेके आओ। अरे सर अब मेरी पढ़ने की उम्र जा चुकी है, अब मेरा कमाने का उम्र है। हाँ चलो वो बात भी तुम्हारी सही है, कोई बात नहीं, मैं बीए की डिग्री वालों के लिए भी कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ। शुक्रिया सर आपका।
हाँ तो चलो मेरे साथ साथ चलोगे तभी तो मैं तुम्हें कोई काम दूंगा। आओ मेरे साथ साथ। अरे सुमित भैया प्रेसिडेंट जी के राइट हैंड बन गए आप तो। अब वो काम देना चाहता है, राइट हैंड नहीं बना रहा है मेरे को। और देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है। लगता है ये लोग तो यहाँ पर चिल करने आए, फ्री का खाना ठूसने आए यहाँ पर। और आगे देखते हैं क्या चल रहा है। अरे छी छी, ये आदमी यहाँ पर नाक में उंगली दे रहा है, कितना गंदा है। चलो यहाँ पर आते हैं। ओहो यहाँ पर देखो फ्री की दुकान कितनी बड़ी लगा रखी है। हाँ तो मोहतरमा बताइए आपको क्या चाहिए। अरे सर मेरे को बस इतनी सी चीजें, मेरी दुकान 24 घंटा चले, बोले तो हर कोई आए मेरी दुकान के ऊपर सामान खरीदने के लिए। मुझे तो बस ये चाहिए, इसलिए आपकी दुकान, इसलिए आपके यहाँ पर फ्री में लगाई, जिससे लोग मेरे को जाने पहचाने और मेरी दुकान पे आए। अच्छा है तुम्हारा तरीका बहुत ज्यादा। अब तुम यहाँ पर फ्री में लगा रही हो तो काफी सारे लोग तुमसे सामान लेंगे, पर टेंशन मत लो, काफी सारे लोग तुम्हें पेड़ में भी काम लेंगे, कोई बात नहीं। चलो और हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आओ तुम दोनों मेरे साथ, मैं तुम्हें कोई काम देता हूँ अच्छा सा। ओह माय गॉड कितना मस्त लग रहा है सब कुछ आज, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट जो बना हूँ। मजा आ जाता है सेमी प्रेसिडेंट बनने के बाद। अरे ये वाओ, ये किसकी गाड़ी है, क्या कमाल गाड़ी है, बड़ी गाड़ी, किसकी गाड़ी है। अरे सर एक आदमी अंदर गया था उसकी गाड़ी है। अरे वाओ गाड़ी तो काफी ज्यादा कमाल की है, तो वही है ना जिसके अंदर इंग्लैंड की क्वीन बैठ के घूमती है। ऐसी गाड़ी मेरे पास भी तो होनी चाहिए यार, क्योंकि सब लोग उसे अलग दिखूंगा इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ तो। मैं किसकी गाड़ी इतनी मस्त। अरे सर ये मेरी गाड़ी है। क्या बेरोजगारी, तुम्हारी गाड़ी है। हाँ सर ये मेरी गाड़ी है। अरे चाबी दो इसकी। हाँ सर बिल्कुल लीजिए सर चलाइए। अरे वाओ क्या गाड़ी है, एंटीक पीस है ये गाड़ी तो, ऐसी गाड़ी मुझे भी चाहिए। अरे सर ले लीजिए आप, क्यों नहीं, आपकी गाड़ी है चलाइए जितनी चलानी हो आप ले लीजिए इस गाड़ी को। अरे टेंशन मत लो, इस गाड़ी के बदले में तुम्हें काफी अच्छे पैसे दिलाऊंगा। अरे शुक्रिया सर शुक्रिया। ये कब का मॉडल है। सर ये मेरे को इतना पता नहीं है, मैंने भी आज ही खरीदी है। अरे ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इतनी पुरानी गाड़ी इतनी ज्यादा ब्रांड न्यू कैसे है। भाई तो सर इसलिए तो मैंने इस गाड़ी को खरीदा, इतनी पुरानी होते हुए भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार, एक नंबर की। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आज करोड़पति बनाऊंगा। कैसे सर। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले तुम्हारी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी देखूं कैसी। अरे वाह क्या कम्फर्ट है गाड़ी के अंदर, क्या लेदर है, बिल्कुल प्रीमियम। हाँ सर बताइए। आज मैं खतरनाक वाला रैम चैलेंज करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बना हूँ। और आज मैं किन्हीं एक आदमी को करोड़पति बनने का मौका दूंगा, जो कोई भी उस रैम चैलेंज में जीतेगा उसे मैं करोड़पति बना दूंगा। सही में सर। हाँ बिल्कुल परफेक्टली, ये गाड़ी मैं तुम्हारी खरीदता हूँ, 4 लाख रुपए बहुत रहेंगे। अरे सर ये तो बहुत कम है, चलो $1,000,000 ले लो इसके बदले में तुम। अरे शुक्रिया सर आपका बहुत ज्यादा। चलो रैम चैलेंज में तो तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज में। मेरा नाम है चंपू प्रेसिडेंट, और यहाँ पर आप सभी लोग आए रैम चैलेंज करने के लिए। तो मोटे आदमी, जैसा मैंने बोला था कि तुम्हारा मोटापा कम करेंगे, उसके लिए हम लोग ये रैम चैलेंज रख रहे हैं। अरे सर पर ये बताइए इससे मोटापा कैसे कम होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे, तो तुम उससे मोटापा कम सकते हो। और यहाँ पर अगला आदमी है ये समेत, बताओ ये कैसे कपड़े पहन के आए हो तुम। अरे सर मेरे फेवरेट कपड़े हैं ये। अरे लड़कियों वाले तुम्हारे फेवरेट कपड़े हैं। पता नहीं सर कोई ग्लिच हो रहा है, कैसे हो रहे हैं पर हो रहे हैं। हाँ तो चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर तुम्हारी विश पूरी करेगा थैनोस, जो तुम लोगों के बीच में नाच रहा है बिल्कुल बैंगन की तरीके से, है ना थैनोस। हाँ, मैं सबकी विश पूरी करूंगा, सबसे ऊपर मैं चलूंगा। अरे तो चलो सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरे को मोटापा कम करना, पर ये मेरी आवाज को क्या हो गया, लगता है मेरे को डर लग रहा है, नर्वस हो गया हूँ मैं, नर्वस। मोटे तू नर्वस हो गया तो यहाँ पर हारेगा। अरे नहीं यार ऐसे कैसे हारेंगे हम लोग, पर हमने पास ये फरारी है खतरनाक वाली। ये तेरी खुद की है। हाँ है हमारी खुद की। फिर ये पिंक कलर की फरारी क्यों ले रखी है तूने। अरे मतलब मेरी बीवी की है, वही सेम हमारी बीवी की चीज भी तो हमारी मानी जाएगी ना। ऐसा थोड़ी होता है, तेरी बीवी की चीज बीवी की होगी। अरे उसने हमें दे दी अपनी फरारी चलाने के लिए, वो बड़ी बात नहीं है क्या यार मित्र, तू भी ऐसी बात कर रहा है। अरे कोई भी हो पर तुझे क्या लगता है, तेरे पास फरारी तो यहाँ पर जीत जाएगा। अरे फरारी की सवारी तुमने मूवी नहीं देखी क्या यार, वहाँ पर लोग मरते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठने के लिए, और हमारे पास पहले से ये गाड़ी है, तो ये मतलब थोड़ी तो जीत जाएगा। अरे हम जीत जाएंगे तुम्हें क्या पता। एक सेकंड, तेरी वाइफ के पास इतनी महंगी गाड़ी है तो तू तो पहले से करोड़पति आदमी है। अरे वही तो, तुम पागल हो, हम नहीं हमारी वाइफ करोड़पति है। अबे तो वाइफ भी तो तेरी है। अरे नहीं यार हम लड़की के पैसे नहीं खाते। अबे तो उसकी गाड़ी क्यों चला रहा है। अरे यार तुम इतना क्वेश्चन मत पूछो, हम परेशान हो जाएंगे, वो हमें मोटा इसलिए तो बोलती है, हम घर बैठे बैठे खाना जो खाते पूरे दिन काम नहीं करते। अबे तू काम करना जाके। अरे आलकस आता है काम करने के लिए, इसलिए तो हमें पैसा चाहिए। अबे यार तू कितना कंफ्यूजिंग आदमी है जैमी। अरे कंफ्यूज देखो इतना सा है, हमारी बीवी बहुत बड़ी करोड़पति है फिर, पर पैसा हमारे पास नहीं उसके पास है। अब हम उससे पैसा लेते वो हमें पालती है और हमें गाली देती है कि मोटा पूरे दिन बैठा बैठा खाना खाता है, इसलिए हमें पैसे की जरूरत है, जो हमें मोटा ना बोले मर क्या रहा है। गाइस यार मोटे की बहुत बुरी वाली सैड स्टोरी थी यार, चलो पूरी नहीं सुन पाए हम। चलो अब हमारी बारी है यार। ओके तो गाइस यार यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ ये मेरे को प्रेसिडेंट जी ने दी है, हमारी तो इतनी हैसियत है नहीं जितनी महंगी महंगी गाड़ी चला ली हम। अरे अरे तुम्हारी हैसियत बन जाएगी अगर तुम यहाँ पर ये रैम चैलेंज जीत जाते हो।
अरे सर इतना इजी नहीं है ये रैम चैलेंज जीतना जितना आपको लगता है। अरे हो जाएगा, अगर तुम अपने ऊपर दिल पे हाथ रख के विश्वास रखोगे तो तुम इस रैम चैलेंज को जरूर जीत जाओगे। गाइस यार इस लैम्बोर्गिनी में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब इतनी ज्यादा लंबी कटाई, पूरी गाड़ी घुमा दी मैंने पर कटाई कंप्लीट नहीं हुई, कुछ तो गड़बड़ है यार। अरे ये लगता है इस गाड़ी के अंदर टायर में थोड़ा डिफॉल्ट है। अरे सर क्या बकवास कर रहे हो आप, इतना खतरनाक रैम चैलेंज, ऊपर से मेरी गाड़ी के अंदर भी डिफॉल्ट है। अरे हो गया लगता है सही, हाँ इतनी तेज ऊपर से नीचे टकराई ना इसलिए शायद इसका टायर सही हो गया होगा। ओके तो गाइस यार मोटा यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुआ था कहीं पर, अब भूत नहीं गए बच गया। गाइस यार वो तो सही है, वक्त पे मैंने बूस्ट दे दिया वरना मैं भी डिस्क्वालीफाई हो जाता। अब ये सही क्यों नहीं हो रही गाड़ी, सीधी हो जाना। चलो भाई सीधी हो गई, पीछे लो थोड़ा सा घुमाओ रिवर्स में और ये बिल्कुल परफेक्टली। भाई साहब ये लैम्बोर्गिनी फरारी है देखने मस्त गाड़ी, पर यार इतनी ज्यादा नीचे होती है कि ये देखो भाई इसके टायर में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। भाई एक बार बस मैं हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाऊं उसके बाद इस गाड़ी को चेंज करके हम लोग हेलीकॉप्टर ले लेंगे, क्योंकि गाड़ी में तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है यार। देख रहे दो बार बच गया नीचे जाते जाते और इसकी हैंडलिंग तो इतनी खराब है। एक तो वो मोटा गाड़ी चला रहा था इतनी मस्त इतनी बढ़िया तरीके से मक्खन, और एक मैंने चलाई यार आधी से ज्यादा गाड़ी टूट गई है। ओ भाई साहब यहाँ पर मैंने फरारी के अंदर टक्कर मारी मोटे की, देख रहे हो पिंक कलर की फरारी। अब बारी है चलो हेलीकॉप्टर उड़ाने की। तो गाइस यार हेलीकॉप्टर उड़ाना हार्ड है, क्योंकि यार अगर मैं गलती से भी टच कर देता हूँ अपने हेलीकॉप्टर को कहीं पर भी तो बूम बैम बटाका हो जाएगा, क्योंकि यार ये एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर और इसके अंदर मिसाइल्स लगी हुई है। देखो साइड साइड में दोनों साइड देखो मिसाइल्स लगी हुई है। अरे उड़ जा उड़ जा उड़ जा, अबे ये पीछे क्यों आ रहा है। अरे अच्छे से कंट्रोल करके उड़ाओ इसको। अरे हाँ कंट्रोल तो कर ही रहा हूँ, कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा है ये। अबे यार ये इतना टेढ़ा मेढ़ा किस लिए उड़ रहा है, काफी हार्ड यार इस हेलीकॉप्टर को उड़ाना था, इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है एक तो। अरे रे रे बाबा रे बाबा, अरे भाई टकरा मत जाइए। बच गया गाइस यार, पंखड़ी थोड़ी थोड़ी टच करी, फटा तो नहीं चल मेरा हेलीकॉप्टर। भाई ये तो बहुत हार्ड होने वाला है भाई, भाई 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 प्लीज फट मत जाइयो, फट मत जाइयो। ओ भाई साहब समेत भैया कर दिखाओ जीत जाओगे। सिंचन तू कहां से आया। अरे समित भैया प्रेसिडेंट जी ने बोला था कि चीयर अप करने के लिए आ जाना रास्ते में। अच्छा समित भैया कर सकते हो, ले जाओ टैंगा टैंगा। क्या कर रहे हैं क्या बोला। अरे समित भैया हेलीकॉप्टर को टैंगा टैंगा, ये क्या चीज है सिंचन। अरे समित भैया यार ये बस है कुछ, तुम इतना मत समझो और इतना मत सोचो, बस जीत के दिखाओ। ओके तो आराम से हेलीकॉप्टर को लैंड कराता हूँ। अरे समित भैया टायर के ऊपर क्यों लैंड करा रहे हो, पागल हो गए हो क्या। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हेलीकॉप्टर तो आसानी से हम लोग उड़ा के लेके आ चुके हैं। अब ये क्या, अब जेट प्लेन उड़ाना है यहाँ पर। अरे थोड़ा बड़ा होने चाहिए ना रैम चैलेंज जब किसी को मैं करोड़पति बना रहा हूँ तो। अरे प्रेसिडेंट जी वो ठीक है पर ये हार्ड कितना होने वाला है, जेट प्लेन चलाना इजी है हार्ड है। अरे समित भैया गेम खेला 50 बार अपन, जेट प्लेन वाला उड़ा लोगे तुम इजीली। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके तो भाई साहब यहाँ पर जेट प्लेन मेरे को टायर के अंदर से टायर लेके जाना। सिंचन अरे समित भाई क्या कर रहे हो, फूट जाएगा ये। अरे पता है मेरे को। ओए भाई मैं तो गया। समित भैया आराम से जय मां काली। अबे सिंचन क्या करूं ये कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। अरे समित बस थोड़ा सा और वहां पर क्रैश कर दो, चाहे बस जीत जाओगे। जीत जाऊंगा हाँ समित भैया। अरे भाई ये तो नीचे जा रहा है। अरे समित भैया उड़ाओ इसको हवा। ओ भाई साहब बच गया, मेरे को लगा मैंने इंजन बंद कर दिया था गलती से। अरे समित भैया क्रैश लैंडिंग करो या कुछ भी करो, जल्दी से कूदो इसमें से। एक काम करते हो इसमें से कूद ही जाता हूँ यार। एकदम समित भैया परफेक्टली। अरे तुमने वो जेट प्लेन हवा में क्यों छोड़ दिया। अरे मेरे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था इसलिए छोड़ना पड़ा। ओके तो गाइस यार परफेक्टली हम लोगों ने लैंडिंग तो कर ली हम लोगों ने। वो जेट प्लेन कहाँ चला गया। अरे समित भैया मर गया। कौन। अरे समित भैया तुमने जेट प्लेन छोड़ा, वो हमारे ऊपर आके गिर गया। बच तो गया ना, मरा तो नहीं तू। अरे समित भैया लगता है प्रेसिडेंट जी की टांग टूट गई। अरे कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, मैं सुरक्षित हूँ बिल्कुल। ओके तो गाइस यार चलो प्रेसिडेंट जी सुरक्षित हैं, अगर प्रेसिडेंट जी मर जाते हैं तो मेरे को पानी कौन देता। अरे सुमित पानी नहीं मनी। अरे हाँ वही कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। अरे सुमित बस जीत जाओ यार एक बार तुम यहाँ पर, उसके बाद अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी, फिर किराए के मकान पे नहीं रहना पड़ेगा, खुद का बड़ा वाला मेंशन लेंगे। हाँ सही में यार बढ़िया मेंशन लेंगे। और हाँ मैं तो बदला भी ले पाऊंगा ना फिर। अरे सुमित बदला किसका बदला। अबे सिंचन तेरे भाई की आज बेइज्जती हुई थी बहुत गंदी वाली। सुमित कहाँ पर। अरे यार किसी को गाड़ी डिलीवर करने गया था फरारी, भाई साहब उसके बच्चे और उसकी मम्मी ने क्या बेइज्जती करी तेरे भाई की, बोला कि कल वो आया गाड़ी नहीं लूंगा। क्या ऐसे में बे सच्ची। हाँ। अरे सुमित ये तो बहुत गंदा किया सही में, इतना नहीं करना चाहिए। ठीक है तुम काले हो माने हो पर इतना बुरा थोड़ी करते हैं। कहा तुम्हारे हाथ का खाना तो ना खाए कोई, पर ठीक है यार गाड़ी तो ले ही सकता है ना। सिंचन यार तू भी ऐसा समझता है। हाँ सुमित जब भी तो मैं तुम्हारे हाथ का खाना कम खाता हूँ। गाइस यार यहाँ तो दूसरे छोड़ो भाई दुश्मन हो रहा है। अरे सुमित बस तुम एक बार जीत जाओ, उसके बाद पूरी
दुनिया तुम्हारी दोस्त बन जाएगी जब तुम करोड़पति बन जाओगे। हाँ बस यही चाहता हूँ मैं भी। ओए एक सेकंड, ये रैम चलन जब भी बहुत ज्यादा बड़ा बच रहा है सिंचन, दिख रहा हो तो तुझे सामने। हाँ सिमित भाई बड़ा तो बहुत ज्यादा दिख रहा है मेरे को यहीं से ही। फिर जी तू कैसे इसे? सिमित भाई बस कंट्रोल वे में बाइक चलाते रहो जीत जाओगे। ओ भाई यार देख रहे हो यहाँ पर कितने बड़े बड़े डायमंड्स है, अगर एक दो डायमंड ही मेरे को मिल जाए तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। अरे सिमित भाई यार तुम्हारी भी छोटी सोच है, जब सामने कटोरा है सोने का जब भी तुम्हें भीख मांगनी है। अब मैंने ये नहीं कहा, मैंने बस इजी वे में सोचा कुछ, ठीक है ना। अरे सुन भैया जो शॉर्टकट मारता है लोग वो कभी जीत नहीं पाते लाइफ में। अबे जीत जाते हैं शॉर्टकट से तो लोग जीतते हैं। अरे सुमित भैया यार रेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लाइफ की बात हो रही है, तुम भी बावली बुचौली बात करते रहते हो। ओ ये क्या भाई साहब, चलो तोड़ दिया उसको तो मैंने। हाँ वही ना, मेरे को लगा रेस की बात कर रहा है, रेस में जो शॉर्टकट मारता वही तो जीतता है। अरे सुमित भैया देखो बस जीतने वाले हो तुम थोड़ा सा और। ओके भाई अब यहाँ पर क्या करना है? सुमित भैया यहाँ पर एक बोट लेनी है, लो जल्दी सी। अरे अरे जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है इतना। हाँ प्रेसिडेंट जी कर रहा हूँ। वैसे आपको कहाँ जाना है? अरे यार तुम्हें पता है मैं प्रेसिडेंट बने हुए मेरे को एक दो घंटा मुश्किल से हुआ है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर रैम चैलेंज कराने आ गया। लॉस सैंटोस के भी कुछ काम है वो मुझे ही तो करने पड़ेंगे। हाँ प्रेसिडेंट जी सही कह रहे हैं आप। हाँ चलो चलो जल्दी करो अब इसे कंप्लीट, मैं फिर तुम्हें पैसे दूँ। ओके तो गाइस यार जीतूंगा तो मैं ही यहाँ पर, क्योंकि यार देख रहे हो वो रही सामने फिनिश लाइन और हम लोग बस जीतने ही वाले हैं। थोड़ा सा और सिमित बेल लगा दो पूरा दम दम ही लगा रखा है सिंचन। अभी एकदम लहर इतनी ऊंची ऊंची की उठ रही है। क्यों सुमित भैया डर लग रहा है क्या? नहीं नहीं। और ये बस ये फाइनली हम लोग पहुंच गए। ओ बेटे ये हम लोग जीत चुके हैं। ये और ये देखो भाई कितनी खतरनाक वाली लैम्बोर्गिनी है। अरे सुमित भैया लैम्बोर्गिनी को मारो गोली, लैम्बोर्गिनी। अरे सुमित भैया वो छोड़ो, ये देखो कितना सारा सोना है यहाँ पर और कितने सारे डायमंड्स है। कितने का सोना और कितने का डायमंड? ये कम से कम है होगा कम से कम 1000-2000 करोड़ का। इतना ज्यादा? हाँ क्यों कम है क्या, थोड़ा और दूं क्या? अरे बहुत है भाई मेरे लिए तो 2-3 हजार करोड़ रुपए। अरे सिम्बिया मौज हो गई तुम्हारी तो सही में। अब सिंचन तेरी भी तो हो गई। चलो सिम्बे काम कर, अब जल्दी से इस गाड़ी को लेके आओ और चलते घूमने। कहाँ पर? अरे सिम्बिया चलोगे तो? ओके तो चलो गाइस यार यहाँ पर हम लोग जीत चुके हैं, मजा ही आ गया सही में। अरे सिम्बिया ये मेरी फेवरेट गाड़ी है। अबे तूने यही क्यों खरीदवाई? सिम्बिया क्योंकि इसके अंदर दो ही लोग बैठ सकते हैं, एक तुम और एक मैं। अभी सिम्बिया हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अबे वहीं जा रहा हूँ जहाँ पर मेरी बेइज्जती हुई थी गंदी वाली। क्या सिम्बिया इन लोगों ने की थी क्या? और क्या अभी इनकी ऐसी तैसी करके आता हूँ। अरे मम्मी वो देखो गाड़ी। तेरी ऐसी तैसी? अरे ये तो वही आदमी है ना कचरा कहीं का। तुम लोगों की ऐसी तैसी? अरे मम्मी ये हमारे पास क्यों आ रहे? मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि तुम लोगों की तुम्हारी औकात दिखाने। अरे वाओ क्या मस्त गाड़ी है, ये वाली कूल है मम्मी, ये गाड़ी मुझे चाहिए। वो गाड़ी मेरी है बच्चे, और तुझे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो मैं से खरीद लूंगी ना मेरे बेटे के लिए। तुम्हारी औकात से भी बाहर ये गाड़ी, समझ में आई तुम लोगों को? और बच्चे तेरे को तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा ये गाड़ी। अरे मम्मी मुझे ये गाड़ी चाहिए। अरे सुन को थप्पड़ मारो तो, बकवास कर रहे हैं यहाँ पर। अभी रुको पुलिस को बुलाता हूँ और तुम लोगों को जेल में डलवाता हूँ, तुम लोग यहाँ पर रेसिज्म फैला रहे हो ना। अरे 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 ऐसा मत करो, मेरा बच्चा नादान है। तू तो नादान नहीं है ना इतनी बड़ी। रुक अभी फोन में लाता हूँ पुलिस को, अभी पुलिस आएगी और तुम लोगों को उठा के लेके जाएगी। हेलो इंस्पेक्टर सर यहाँ पर आइए, ये लोग मेरे को कलवा बोल के रेसिज्म फैला रहे हैं, इनको जल्दी से जेल में डाली उठा के, ये बच्चा और ये माँ। अरे क्या कर रहे हो मम्मी, बचाओ मेरे को। अबे रुक जा तेरी। हाँ, ये क्या रेसिज्म फैला रही है मैडम जी, आपको शर्म नहीं आती रेसिज्म फैलाते हुए? मेरी जानकारी बहुत ऊपर तक है, मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। हाँ, तो सर ये क्या वो लड़की? हाँ मैडम जी पुलिस वाले यही है, इनको थप्पड़ लगाइए एक एक। तेरी अल्ले तू तो गई। ओके भाई मजा आ गया। और ये बच्चा भी था क्या? हाँ ये बच्चा भी था, इसको भी थप्पड़ मारी है ना एक बढ़िया वाला। ओके तो गाइस यार यहाँ पर सुकून मिला मस्त वाला, अब इनकी गाड़ियाँ लेके निकलता हूँ यहाँ से। सुमित भैया मजा आ गया, इनकी एक थप्पड़ मारा बढ़िया वाला और पुलिस उठा के ले गई इन दोनों को। तो गाइस यार मेरा बदला पूरा हुआ, उन लोगों को पुलिस उठा के ले गई। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, भाई आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर बुल बट के चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम जी।